ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है, बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। मंडला में राहुल गांधी की सभा के फ्लैक्स में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी होने के मामले पर जहां कांग्रेस की फजीहत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। मामले पर खुद फग्गन सिंह कुलस्ते और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ निश्चित रूप से जीतते हैं, और इसलिए उनका आना हमारे लिए बहुत शुभांकर है। और कुलस्ते जी यहाँ पर लाखों वोट से जीतेंगे, मेरा विश्वास। कुलस्ते जी की तस्वीर थी उनके मंच पर, इसका मतलब है कि वो दिल से चाहते हैं कुलस्ते जी जीते। जहाँ जहाँ भी गए हैं वास्तव में वहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली है। ये पुराने अनुभवों की दृष्टि से मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूँ।